नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जिनको भी शारीरिक कमजोरी है, थकान, आलस, कमजोरी हमेशा लगा रहता है, हाथ पैर में हमेशा दर्द रहता है, या फिर किसी बीमारी की वजह से शरीर में कमजोरी आ गई है, शरीर में खून की कमी है, तो उसका हम बेहद ही जबरदस्त उपाय बताने वाले हैं। ये उपाय दोस्तों इतना इफेक्टिव है, इतना पावरफुल है कि शारीरिक कमजोरी को सिर्फ 5 दिनों में ही खत्म कर देगी और आपका शरीर फौलाद बन जाएगा। आज हमारे गलत खान पान से हमारे शरीर में ताकत की लगातार कमी होती जा रही है। जरा सा पैदल चलने पर दम फूलने लगती है, सीढ़ियां चढ़ो तो दम फूलने लगती है, थोड़ा सा दौड़ लो तो दम फूलने लगती है। आखिर ताकत गई कहां? पहले तो ऐसा नहीं होता था, है ना दोस्तों? यही सोचते होंगे आप। हम आज जिन चीजों का सेवन कर रहे हैं वो सभी हमें अंदर से खोखला और ऊपर से मोटा कर देती है। ये चीजें हैं बाहर के तले हुए सभी खाद्य पदार्थ, इनका सेवन ही हमें कमजोर बना रहा है। आज हम आपको ऐसी चीज के बारे में बताने वाले हैं जिसका सिर्फ 5 दिन ही सेवन करने से शरीर की सारी कमजोरी दूर हो जाएगी, और वह चीज है दोस्तों काला चना, बादाम और गुड़। उसके अलावा एक उपाय और है जो वीडियो के अंत में बताऊंगा, तो वीडियो से बने रहिए क्योंकि जानकारी आपके बहुत काम आने वाली है। दोस्तों काले चने में कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, आयरन, फाइबर से भरपूर होती है। अगर आयुर्वेद की माने तो इन्हें आयुर्वेद में भी बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक माना गया है। काले चने शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाकर दिमाग को बहुत तेज करते हैं। इसके अलावा अगर इनका अंकुरित सेवन किया जाए तो इसके इतने फायदे होते हैं कि जितनी गिनती करना मुश्किल है। काले चनों में आयरन होने के कारण ये हीमोग्लोबिन की मात्रा को बहुत तेजी से बढ़ाते हैं। अगर इनका सेवन किया जाए तो एनीमिया रोग कभी भी नहीं होगा, यानी कि खून की कमी कभी भी नहीं होगी। काले चनों में काफी मात्रा में फाइबर पाया जाता है, इसकी वजह से ये वजन घटाने में बहुत ही फायदेमंद होते हैं। मधुमेह के रोगियों को भी काले चने खाने चाहिए, लेकिन जो मैं रेमेडी बताने वाला हूँ उसमें सिर्फ आपको गुड़ नहीं खाना, बाकी सभी चीजों का सेवन आप कर सकते हो। मधुमेह यानी कि डायबिटीज के रोगियों के लिए भी काले चने बेहद ही फायदेमंद होते हैं। उन्हें काले चने की रोटी बनाकर खानी चाहिए, ये बढ़े हुए ग्लूकोज लेवल को, ब्लड शुगर को कंट्रोल कर देता है। काले चने खाने से कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर जैसी समस्याओं में बहुत फायदा मिलता है, जिस कारण हार्ट अटैक की संभावना काफी कम हो जाती है। इसके अलावा बादाम, दोस्तों भीगा बादाम रोज खाने से आपको ताकत मिलती है, साथ ही ऊर्जा का बहुत अच्छा स्रोत है। इससे आपकी मांसपेशियां मजबूत होती है, शरीर की कमजोरी दूर होती है, बीमारियां कोसों दूर रहती है। जो लोग कब्ज की समस्या से जूझ रहे होते हैं उन्हें भीगा हुआ बादाम खाना चाहिए, क्योंकि बादाम में भी फाइबर काफी मात्रा में होता है जो पेट को साफ करता और पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है। चना बादाम दोनों ही फाइबर कंटेंट से भरे होते हैं। इसके अलावा बादाम खाने से दोस्तों दिमाग तेज होती है, आंखों की रोशनी बढ़ती है, आपकी स्किन लंबे समय तक जमा दिखती है। आप लगातार भीगे बादाम चने के साथ खाओगे तो लंबे समय तक जमा दिखोगे, चेहरे पे झुर्रियां, रिंकल्स नहीं आएगी। आजकल आप देख रहे हो कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो 20-25 साल की उम्र में ही 30-35-40 के दिखने लगे हैं, चेहरा हमेशा डल रहता है। ये सारी प्रॉब्लम दोस्तों शरीर में पौष्टिक तत्वों की कमी की वजह से होती है। मैंने पहले बताया कि हम ऐसी चीज अभी खा रहे हैं जो हमारे शरीर को अंदर से खोखला कर देती है, तो चेहरे पर तेज कहां से होगा? तो इसलिए चना बादाम गुड़ का सेवन जरूर करना चाहिए। 10 ग्राम गुड़ के साथ अगर चना और बादाम खाया जाए तो मर्दों के शुक्राणुओं में तेजी से वृद्धि होती है, वीर्यबल बढ़ता है, इसके अलावा चेहरे का ओज बढ़ता है। तो कैसे खाना है, कितनी मात्रा में खाना है, चलिए देखते हैं। रात को 1 मुट्ठी चना, 6 से 8 बादाम भिगो कर रखते हैं, और सुबह जैसे आप उठें तो सबसे पहला काम होना चाहिए बासी मुंह बगैर गुल्ला की 2 से 3 गिलास हल्का गर्म पानी पीना है। पानी इसलिए पीना है ताकि आपका पेट अच्छे से साफ हो जाए, और पानी सुबह बासी मुंह पियोगे तो जो मुंह में स्लाइवा है, लार है, वो शरीर के अंदर जाएगा, और ये लार दोस्तों औषधीय गुणों से भरपूर होता है। आयुर्वेद की किताब अष्टांग ऋद्धि में कहा गया है कि सुबह की जो लार होती है जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है, तो सुबह का लार जरूर शरीर के अंदर करें, और इसका तरीका यही है कि सुबह खाली पेट बासी मुंह गर्म पानी पीना। इससे 10 से 15 मिनट के बाद आप बादाम को छिलकर चना के साथ चबा चबा कर खाइए, और साथ में 10 ग्राम गुड़ भी खाइए, और आराम से चबा चबा कर खाइए। बहुत लोगों की शिकायत होती है कि चना खाते हैं तो डाइजेस्ट नहीं होता, कई लोग तो पानी पीते हैं तो पानी भी डाइजेस्ट नहीं होता। इसका वजह क्या है? इसका एक ही वजह है कि हम हड़बड़ी में सब कुछ काम करते हैं। दोस्तों आप महसूस करना एक बात को, जब भी आप खाना खाते हो ना, या कुछ खाते हो, चबाते हो, तो मुंह में स्लाइवा बनता है, लार बनता है, और वो लार जो है खाने के साथ अंदर जाना चाहिए, तभी आपका डाइजेशन अच्छे तरीके से हो पाएगा। लेकिन हम क्या करते हैं, जल्दीबाजी में, हड़बड़ी में, फटाफट फटाफट चबा चबा कर खाली ऊपर से पानी पी लिए, तो ऐसा नहीं होता। इससे तो डाइजेशन की प्रॉब्लम होगी ही होगी, और साथ ही साथ आपका खाया हुआ जो खाना है, जो भी फूड आप खा रहे हो,
उसका पौष्टिक तत्व आपके शरीर को नहीं मिलेगा, यानी कि खाना आपके शरीर को नहीं लगेगा, तो इतना मेहनत सब बेकार चला जाएगा। तो इसलिए हमेशा चबा चबा कर इत्मीनान से किसी भी चीज़ को खाना चाहिए। इसके अलावा पानी भी जब पियो तो घुट घुट करके सिप सिप करके पियो, ये बात गांठ बांध लो। अगर आप एक्सरसाइज करने जाते हो, जिम जाते हो, रनिंग वॉकिंग के लिए जाते हो, तो जिम जाने के 45 मिनट पहले, जी हाँ एक्सरसाइज करने के 45 मिनट पहले आप चना बादाम को गुड़ के साथ खा लीजिए। आप चाहें तो इसे दो भाग में बांट सकते हो, आप प्री वर्कआउट ले लो 45 मिनट पहले और पोस्ट वर्कआउट ले लो, आधी आधी क्वांटिटी ऐसे बांट कर दो टाइम इसका सेवन करो। इसके अलावा रात को आपको एक काम और करना है, एक गिलास दूध लेने हैं, 3 से 4 सूखा हुआ खजूर या फिर छुहारा लेना है। दूध में छुहारा या खजूर को डालकर उबाल लेना है और ठंडा करके खजूर को खाकर ऊपर से दूध को पी लेना है। ये दोनों ही नुस्खे लगातार कर लो दोस्तों, 5 दिनों में ही आप देखोगे कि आपकी शारीरिक ताकत बढ़ने लगेगी, शरीर एनर्जी से लबालब रहेगा, आपको थकान आलस कमजोरी कभी भी नहीं आएगी। आप चाहें तो लगातार इसे पूरे साल सेवन कर सकते हो, इसका कोई नुकसान नहीं होता दोस्तों, इसे लड़के और लड़कियां दोनों ही ले सकते हैं, दोनों के लिए बराबर फायदेमंद है। तो आज इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट्स कर बताना, और इस रेमेडी को फॉलो कर रहे हो तो कमेंट्स कर हमें बताना कि आप इसे आज से शुरू कर रहे हो और 5 दिन के बाद वापस आना और इसका रिजल्ट आपको कैसा मिला, ये भी कमेंट्स करना। आपको इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।